छह दौर की वोटिंग के बाद करीब 90% सीटों पर जनता ने अपना वोट ईवीएम में बंद कर दिया। ठीक 36 घंटे बाद आखिरी दौर की सीटों पर वोटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन जनता का मूड देखकर सभी पार्टियों के नेता कंफ्यूज हैं कि यूपी का जनादेश किसके पाले में जाने वाला है। आखिरी दौर में वाराणसी के अलावा उसके आसपास के जिलों में वोटिंग होनी है, जहां सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यही वजह है कि मोदी खुद आखिरी 3 दिनों तक वाराणसी में डेरा डाले रहे। उन्हें घेरने के लिए राहुल, अखिलेश और डिंपल की तिगली ने मोर्चा संभाल रखा था, तो दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती थी, जिनके मजबूत वोट बैंक की आशंका न तो बीजेपी के दिल से दूर हुई और न ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के दिमाग से। आमतौर पर चुनाव में बड़े नेताओं की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से माहौल तय होता है, लेकिन वाराणसी में बीजेपी, बीएसपी और राहुल अखिलेश की जोड़ी सब भीड़ जुटाने में कामयाब रहे। रैलियों और रोड शो में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा तो करती हैं, लेकिन जाने अनजाने नेताओं की बातों से ही ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि कहीं यूपी त्रिशंकु विधानसभा की ओर तो नहीं बढ़ रही। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है, और उन्होंने चालू क्या किया है, हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन मना सकती है बीजेपी के साथ, इसलिए बहुत सावधान रहना उनसे भी। केवल समाजवादी लोग सरकार न बना ले, इसलिए सब गणित मिलकर के कर रहे हैं, बीजेपी और बीएसपी के लोग दोनों ने मिलकर के कि कैसे भी समाजवादियों की सरकार न बने। बीएसपी के इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपने अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, और अब बीजेपी वह सपा कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में केवल दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये एक दूसरे से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जनता इतनी चुप क्यों है? बीजेपी और दूसरी पार्टियों की ध्रुवीकरण की कोशिश भी फेल हो गई। न केवल वोटर खामोश है, बल्कि वो ये भी नहीं बता रहा, न ये ही जता रहा है कि यहाँ कोई लहर है या नहीं। 2014 में यूपी में बीजेपी की लहर थी, यही कारण था कि सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को मिली, 73 सीटें 80 में से एनडीए को मिली। अब ऐसे में यूपी में क्या बीजेपी खुद अपने बल पर जीतेगी? ये यूपी में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, देश में प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री ने 5 चरणों के बाद ये क्यों बोला कि त्रिशंकु विधानसभा का षड्यंत्र हो रहा है? अखिलेश भी कमोबेश ये बात क्यों कर रहे हैं? अगर कोई सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो फिलहाल वो दिख रही हैं मायावती। आखिर इसके कारण क्या है, इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन है। हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय कुमार है। हमारे डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हैं, जो कि स्पोर्ट्स के स्टेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, समाजवादी पार्टी से आते हैं। थोड़ी ही देर में फोन में हमारे साथ मौलाना अंसार रजा जुड़ेंगे, जो कि बीएसपी के लिए प्रचार कर चुके हैं। दिल्ली से जाते थे, बीएसपी के लिए बकायदा उत्तर प्रदेश में प्रचार करते थे, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद नजदीक से समझने वाले, वहां कई साल काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी भी हैं। सैयद शहनवाज हुसैन साहब, आखिरकार प्रधानमंत्री को यह क्यों बोलना पड़ा कि षड्यंत्र हो रहा है त्रिशंकु विधानसभा लाने के लिए? तो आखिर इतना डर क्यों? आखिर प्रधानमंत्री 3 दिन बनारस में रहते हैं, आखिरी दौर में रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश नहीं बनारस बचा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी से, बनारस से सांसद हैं, देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे पार्टी के सिपा सहलार हैं, और जब कोई भी युद्ध का मैदान होता है तो जनरल की तरह खुद से कमान लेकर सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता को उनका प्यार और भरोसा मिल भी रहा है। इसलिए और लोगों को यह सोचना चाहिए कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए था, जैसा राहुल जी को उनसे सीखना चाहिए था कि अमेठी में थोड़ा समय देते तो उनके लिए अमेठी अच्छा होता।
जहां तक सवाल है कि लास्ट राउंड का चुनाव है, प्रधानमंत्री इसलिए काशी में है और बसपा और सपा को लगता है कि मोदी जी से जीत नहीं सकते, तो वो मैच फिक्स कर रहे हैं कि बीजेपी को हराओ ताकि विधानसभा त्रिशंकु हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने मेहनत किया है, वो जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो प्रधानमंत्री की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह मेहनत करते हैं। कोई युवा कार्यकर्ता भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता। मैंने आपकी बात मानी शहनवाज हुसैन साहब, बस आखिरी दौर का मतदान बचा है जी। अब इस तरह के चुनावी भाषण करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ 10% 40 सीटें बची हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार प्रधानमंत्री को 5 दौर के बाद ये क्यों लगा विधानसभा त्रिशंकु हो सकती है? इन 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 40 विधानसभा में हम कांग्रेस सपा बसपा को 0 पर आउट करना चाहते हैं। चलिए 11 तारीख को बात करेंगे किसको 0 मिला इस बार जी। उस दिन मैं 5 से 6 बजे आपके साथ रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको कहने वाला हूं कि 40 की 40 जीतनी है। आप ये देखिए, क्रिकेट मैच में जब लास्ट ओवर बचता है तो कितना तेजी से रन बनाते हैं, क्या कहते हैं उस ओवर में छोड़ देते हैं। काश राजनीति क्रिकेट होती है, काश राजनीति क्रिकेट होती, ज्यादा तेजी से रन बनाते हैं। जीत की नींव डाल दी है, बहुमत तक पहुंच गए हैं, ये जीतेंगे तो पूरी तरह अपार बहुमत प्राप्त करेंगे। चलिए अनुराग सिंह भदौरिया जी, आपने सैयद शहनवाज हुसैन साहब के दावे सुने, वो कह रहे हैं कि बहुमत तक वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो फिर प्रधानमंत्री इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने कहा कि वो 40 की 40 जीतने के लिए कह रहे हैं, वो 40 की 40 जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं अनुराग सिंह। अगर वो ये भी जोड़ देता, अगर वो कार्यकर्ता की तरह जी कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता रहे, फिर क्यों प्रधानमंत्री बनते हैं भाई? आप देश का इतना बड़ा पद भी लेंगे, आपका समय दिल्ली में और कामों में लगना चाहिए जिससे देश आगे बढ़ेगा। तो आप काम कार्यकर्ता की तरह कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता को ही मां दे दीजिए, कार्यकर्ता संभाले। अगर आप में इतना डर नहीं है, आपको पूरा विश्वास है कि हम वहां जीतेंगे, तो फिर वहां पे मैंने पहली बार देखा है किसी भी देश का प्रधानमंत्री सारा काम काज छोड़ के इतना बड़ा, जहां पे एक कोई उत्तर प्रदेश स्टेट थोड़ी है, इतने सारे स्टेट हैं, सब कुछ छोड़ के, उनकी पॉलिसी छोड़ के 3 दिन से रोड शो कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं और वहां भी जा रहे हैं जहां उनको लगता है कि यादव वोट ज्यादा है, उस मंडा उसको क्या बोलेंगे, वहां पे जाके पंडितों से भी मिल रहे हैं, भैया आप आओ मुझे बचाओ, यहाँ यादव यहाँ के अनुयायी ज्यादा है, गढ़वाला में भी जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतने स्तर पर अगर कोई प्रधानमंत्री उतर जाए, हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि कन्नौज से भी माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ते हैं। आज आदरणीय डिंपल यादव जी वहां पे वहां की एमपी हैं, उन्होंने आज तक वहां रोड शो नहीं किया और वहां से जीत के आ रहे हैं एमपी लगातार, आज तक वो वहां से 1 दिन से ज्यादा रुके नहीं। अगर आप काम करोगे तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके बीच में लगातार पब्लिक के टच में हो तो पब्लिक के पास आने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को काम चाहिए। आपकी पब्लिक क्या करेगी 3 साल बाद आप गए हो वहां उसकी हालत को बताने के लिए, और आप जब भी बोलते हो तो बोलते क्या हो, सुबह उठ के आप एक बार विकास की बात नहीं करते हो, एक बार डेवलपमेंट की बात नहीं करते हो, आपको बात धर्म की करनी है, आपको बात जाति पात की करनी है। आपको तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि विकास की बात मंच से की जाती है। आप हमेशा मन से किसकी बात करते हो, बुराई करते हो, ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। अरे भैया, पूरा उत्तर प्रदेश चोर है तो क्यों उत्तर प्रदेश में आए हो आप? किसने आपको बुलाया है? गंगा मैया आपको बुलाती हो, गंगा मैया को आप बोलते हो चोर है यहाँ पे लोग, यहाँ के सब लोग चोर हैं, तो इतना क्यों आपको लगाव है चोरों से? क्यों आप हमें गाली भी दोगे और हमारी बेइज्जती भी करोगे? सिर्फ मेरी नहीं, पूरे इंडिया को बताते हैं, पूरे देश को बताते हैं, ये चोर वो चोर। अरे भैया, मन से कभी अच्छी बातें भी कर लो, यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, कुछ अच्छाई भी बोल लो, हमेशा बुराई करते हो। और आपने देखा होगा दूसरी तरफ कांग्रेस जी अगर बोलते हैं तो हमेशा तारीख की बात करते हैं, उन्होंने कभी जाकर की बात नहीं की, कभी हमेशा बात की डेवलपमेंट की बात की है। इन्होंने शुरुआत कर दी कब से, जब इनको लगा मैं हार रहा हूं, तो तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में इन्होंने लेके आ गए क्या, अब लेके आ गए नया फसूगा लेके आ गए क्या, वो लेके आ गए अब आपके यहाँ पे, अब वो नहीं बाउंड्री नहीं बन रही है, आप बताइए कब्रिस्तान की, शमशान नहीं। अरे भैया, कब्रिस्तान शमशान से क्या लेना देना? कितनी बाउंड्री आपने शमशान की बना दी मध्य प्रदेश में, कितनी बाउंड्री बना दी आपने गुजरात में, कितनी बाउंड्री शमशान की आपने बना दी राजस्थान में, कहां आपने मेट्रो शुरू कर दिया गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? आप हमसे कंपेयर करते हो, आप भी अपना कुछ करके तो दिखाओ, खाली बुराई करनी है।
आपके नेता बीजेपी के नेता बैठे उनसे पूछ लीजिए कि कहां पे इन्होंने शमशान की बाउंड्री बना दी है, कितनी बाउंड्री मध्य प्रदेश में बन गई, हमारे बॉर्डर पे है। मैं बता दूं एक भी बाउंड्री नहीं बनी, कभी भी शमशान के लिए बाउंड्री की मांग ही नहीं होती थी। हम जब भी शमशान होता है नदी के किनारे होता है, लोग नदी के किनारे जाके अपनी लाशों को जलाया करते थे, उसके बाद कुछ नदी में बहा दिया करते थे। अब क्या पूरी नदी कभी इस बात नहीं हुई? ठीक है, जब शमशान चूंकि शमशान, जब कब्रिस्तान चूंकि कब्रिस्तान होता है, उसको एक जगह ज्यादा ना हो जाए। तो आप ऐसी ऐसी बातें करके पूरे प्रदेश को बेवकूफ बनाना चाहते हो। आप बातें करो ना डेवलपमेंट की, मन से बात करो ना। देखे कितना अच्छा लगता है, आपको एम्स की जगह दे दी गोरखपुर में, एम्स की जगह दे दी, आज तक आपने उसमें पत्थर भी नहीं किया, फाउंडेशन भी नहीं डाला, और हमसे कंपेयर करते हो डेवलपमेंट की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्यों? मैं आपको भी कहूंगा कि चुनाव में बड़े बड़े भाषण की कोई जरूरत नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब साफ साफ कह रहे हैं, अनुराग सिंह भदौरिया जी जो कि अजय कुमार जी के एलाई हैं, गठबंधन के हैं, इसीलिए मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। और मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, इतने गंभीर व्यक्ति को, इतने ग्लोबल लीडर को यह कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में शमशान और कब्रिस्तान में कंपैरिजन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में दिवाली और ईद में कंपैरिजन हो रहा है, क्यों प्रधानमंत्री जी को इस स्तर पर बात करने देनी चाहिए? क्योंकि ध्रुवीकरण की जितनी भी कोशिश है वो नाकाम हुई है। देखिए दीपक जी, बिल्कुल भदौरिया साहब ने अपनी बात रखी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, बराबरी की बात कही। आप कहीं भी जाइए, लोग कहते बराबरी, सबका साथ सबके विकास का ही नारा है बराबरी, कब्रिस्तान के लिए भी हो तो शमशान के लिए भी हो, ईद होली दिवाली सबके लिए बराबर हो। प्रधानमंत्री ने कहां कहा कि एक को कम दीजिए ज्यादा दीजिए? उन्होंने कहा सबको बराबरी मिले, सबकी चिंता कीजिए, सबका साथ सबका विकास कीजिए, यही तो कहा है। प्रधानमंत्री इनका नजरिया अलग है। प्रधानमंत्री भदौरिया जी बीच में मत बोलिए प्लीज, भदौरिया जी दोनों की आवाज सुनाई देगी। मैं एक बार बात को कंप्लीट कर लूं, मैं कह रहा हूं कि आप इसमें अपने उस चश्मे सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, अरे प्रधानमंत्री गए हैं इतनी घबराहट क्यों है? नरेंद्र मोदी जी के जाने से आपको किसने रोका? आप जाइए, लेकिन आपको तो गायत्री प्रजापति को बचाने में पूरा समय अखिलेश जी को देना पड़ रहा है, आप तो उनकी रक्षा में लगे हैं। आप उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता करते तब ना, आप पूरी तरह से परेशान हैं कि कैसे गायत्री प्रजापति को बचाया जाए। हम उत्तर प्रदेश को बचाने में लगे हैं, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे इसके लिए। और प्रधानमंत्री यूपी से सांसद हैं, क्या अखिलेश यादव जी सिर्फ लखनऊ में ही हैं पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री के नाते? वो प्रचार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर प्रचार अभियान में लगे हैं तो आप उनसे ज्यादा प्रचार कीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन बीजेपी कैसे प्रचार करेगी? क्या कांग्रेस और सपा से पूछ के प्रचार करेगी? हमारा जनता में डिमांड हमारी है, आपको तो आदमी जमा करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते उनकी झलक पाने को बेताब रहती जनता, इसलिए वहां पर गए। देखिए आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कितना हजूम है, कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है प्रधानमंत्री से। तो अगर वो प्यार करने वाले मौजूद होंगे तो प्रधानमंत्री उस जगह जरूर जाएंगे। चलिए ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, शहनवाज हुसैन जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए और कुछ दिन अमेठी में प्रचार करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। देखिए दीपक जी, शाहनवाज जी एक परिपक्व नेता है, एक समझदार वक्ता है, लेकिन इनके बातें जो है, मैं जानता हूं ये मजबूर है कि मोदी जी के जो है तारीफ को उनको गाने की आवश्यकता है, लेकिन 6-7 बिंदु फिर उस पर, उसके बाद मैं अपने बातें को समाप्त कर लूंगा। पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो 3 दिन से एक संसदीय क्षेत्र में, किस लिए गए थे? पहले कारण यह था क्योंकि अमित शाह जी ने सभी सांसद को कहा कि अगर आपको तीन सीट से कम अगर आपकी आपके संसदीय क्षेत्र में विधानसभा सीट की जीत नहीं होगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री बेचारे जो है अमित शाह जी के जो है धमकी से डरते हुए वहां पहुंच गए अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो तो नहीं बचा पाएंगे। दूसरी बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे तो हम लोगों को तो आश्चर्य नहीं होगा इस देश के जनता को कि कहीं ना कहीं जो है वोटिंग के दिन वो बूथ मैनेजर के रूप में वहां प्रधान वहां जो है प्रस्तुत ना हो, ये कि बूथ एजेंट के रूप में प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे। तीसरी बात है कि ये क्रिकेट टेस्ट वगैरह की चर्चा हो रही थी तो
तो ये तो टेस्ट मैच को अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है ना एक नाइट वॉचमैन मोदी जी को भेज दिए हैं। चौथी बात, क्या पार्टी के बारे में बात करेंगे प्रजापति के बारे में, प्रजापति जी के बारे में? वहां बंगाल में तो बच्चियों की तस्करी करने के लिए ये लोग जो है इनके नाम आ गए, जूही चौधरी, कैलाश विजय वर्गिया, रूपा गांगुली जी, बच्चियों को जो है बच्चियों की तस्करी बिस्किट के डब्बे में। यार देखिए ऐसे नहीं, गलत इल्जाम है और अब ये गलत इल्जाम है, इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है। और जहाँ अजय जी, हम सब लोग जो बराबरी की चर्चा करते हैं, अपेक्षा नहीं है कि आप दीपक जी हम सब लोग बराबरी एक गांगुली जी का नाम लें। शाहनवाज जी ये आप पर वो मनहानी करेंगे अगर इस तरह नाम लेंगे, नहीं गलत बात है, नाम मत लीजिए। कैलाश जी कैलाश प्रचार मत कीजिए। शाहनवाज जी एक मिनट जी, शाहनवाज जी मैं एक सेकंड, शाहनवाज जी मैं तो जो है पूरी जिम्मेवारी के साथ ये अखबार के अनुसार मैं जो अखबार में जो है प्रमुख अखबार में जो खबरें आई है उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। कथित रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी और श्रीमती रूपा गांगुली जी के नाम आए हैं, तो हम उसी पर चर्चा करें। जूही चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है बंगाल में, वो तो स्पष्ट रूप से अभियुक्त है, हम सिर्फ कथित रूप से कह रहे हैं ये बात सही है नहीं, तो उस पर ठीक है, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं। आखिरी में ये आप ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से परेशान है, इसीलिए जो है इस तरह से बनारस में अपने जो उनको मालूम हो गया है कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में सभी सीटें जो है सपा कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। शाहनवाज जी ने ठीक कहा कि 5 बजे शाम को 11 तारीख को हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, हम लोग स्कोर कार्ड देख लेंगे कि पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसे रहा। और लास्ट में प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी चश्मा बदलनी चाहिए, हम लोग किसी को जो है धर्म के आधार पर किसी को नहीं देखते, बिजली भी नहीं देखती है, पानी भी नहीं देखता है, विकास भी नहीं देखता है, लेकिन बीजेपी जो है इस देश को जो पूरी तरह से साबित करना चाहते हैं कि बाकी देश के जो नेतागण है एक भाई को दूसरे भाई को दूसरे नजरिया से देखते हैं। हमारे डीएनए में, किसी के डीएनए में ये सब तो है ही नहीं। आप कृपया जो है प्रधानमंत्री जी अपना चश्मा बदल दें, देख ले कि पानी सबके लिए है, गंगा माई का पानी सबके लिए है, न जात न धर्म, बिजली सबके लिए न जात न धर्म, ठीक है, और विकास सबके लिए न जात न धर्म, ठीक है। तीनों पार्टी से मैंने बात की, विवेक मेरे साथ है, विवेक क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी पर? श्रीनवाजी एक मिनट इंडिपेंडेंट व्यू भी ले दीजिए, आप दो बार जवाब दे चुके हैं, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा इसके बाद। विवेक क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है? दीपक एकदम सही कह रहे हैं आप, जिस तरह यूपी का चुनाव शुरू हुआ था पूरे दमखम से तीनों पार्टीज अलायंस मिलकर इसमें सामने आए, लेकिन शुरुआती दौर के बाद ये समझ में आ गया, पहले राउंड खत्म होते ही समझ में आ गया कि इस बार चुनाव बहुत ही अजीबोगरीब है यूपी का। किसी भी डेवलपमेंट प्लैंक पे या किसी कोई खास एंटी इनकम्बेंसी कहीं पे दिख नहीं रही है, किसी भी पार्टी कोई लहर नहीं दिख रही है। उसके बाद एक तरह से बीजेपी ने इसको पोलराइज करने की भरपूर कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में गधे तक उतार दिए, गधों तक का जिक्र हो गया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे इस बात पर आपकी मुझे बिल्कुल इत्मीनान है कि इस समय किसी को भी गठबंधन मिलता दिख नहीं रहा है, और अभी यही लगता है कि यूपी किसी भी गठबंधन को या दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, और लगता यही है कि इस समय हम एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की बात कही है उससे लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं मान चुकी है, शाहनवाज जी भले ही न मान रहे हों। शाहनवाज जी भले ही न मान रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हालात ऐसे क्यों बन गए? उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की जो कोशिशें हुई वो क्यों नाकाम हो गई? उत्तर प्रदेश में जिस पेस से अखिलेश और राहुल ने कैंपेनिंग शुरू की थी उनका टेम्पो क्यों ठंडा हो गया? क्यों मायावती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी? बहुत धीरे धीरे, शुरुआत में उनका भी उतना जोर नहीं था, और बीजेपी पहले दौर, दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर से क्यों पिकअप कर ली? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ 40 सीटें मतदान के लिए बची हैं, यानी 10%, और उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या माहौल खड़ा हो गया है 6 दौर के चुनाव के बाद? कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकती कि इसको
क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली है। आखिरकार उत्तर प्रदेश का वोटर इतना खामोश क्यों है? क्योंकि 2007 और 2012 में कमोबेश ये पता लग गया था कि क्या होना है, क्या 10 साल बाद एक बार फिर से त्रिशंकु विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी। शहनवाज हुसैन साहब, जो बड़ा सवाल था जिसको पूछा था अजय कुमार जी ने कि आखिर डर किस बात का है आपको? आखिर ठीक है, मैंने माना कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का हक है, लेकिन ऐसा क्या कि आखिरी तीन दिनों के लिए उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया सिर्फ काशी के लिए? अगर पहले दौर से वो ये करते, रोड शोज करते, तो समझ आता कि वो 403 सीटों के लिए कर रहे हैं। यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बनारस की 8 सीटों के लिए कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, कंपेन वहीं से कर रहे हैं, अलग अलग जिले में भी जा रहे हैं। हम लोगों ने, क्योंकि मेरे साथ बैठते हैं तो महाराष्ट्र में कहते हैं पीएम इतना क्यों आ रहे हैं, बिहार में क्यों आ रहे हैं, आसाम में क्यों जा रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के नेता भी हैं, हमारी पार्टी चुनाव जीते इसके लिए हम सबके साथ वो भी चिंतित रहते हैं। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके पास कौन है? आपके पास तो कोई करिश्माई नेतृत्व है ही नहीं। तो हमारे पास एक नेता है जिसको देखने से जनता के मन में प्यार उमड़ता है, और आपके पास नहीं है तो इससे आपको जलन हसद हो रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी के पास तो है ना अखिलेश यादव। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। यहाँ भी तो गठबंधन यादव की है, अनुराग सिंह जी और अजय दीपल यादव जी भी है इनके पास। इसलिए मैं आपसे कहने आया जहाँ जहाँ तक बोलेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। शहनवाज जी, उसके बाद भदौरिया जी आ रहा हूँ आपके पास। जिस तरह जी मैं आपको एक चीज में कह रहा हूँ कि जो विवेक अवस्थी जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास रिपोर्ट है, अपार बहुमत हमें प्राप्त हुआ है, 40 पर टारगेट बना लिया है कि इस 40 की 40 सीट में 0 पर आउट करेंगे। इस महागठबंधन जो बना है सपा बसपा कांग्रेस का, ये लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे करके बीजेपी को हराओ, लेकिन 40 की 40 जीतेंगे दीपक जी। इसलिए मेहनत कर रहे हैं, तो खुद मेहनत करते नहीं, थोड़ा सा मेहनत करते नहीं और दूसरा मेहनत करे उस पर इनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है लोगों को कि मोदी जी क्यों घूम रहे हैं। अरे मोदी जी इसलिए घूम रहे हैं कि जनता में मकबूलियत है, प्यार है, लोगों का स्नेह है, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का विश्वास है एक नेता में। ठीक है, विश्वास मैं जानता हूँ, मनमोहन सिंह जी ऐसे नहीं घूम सकते थे। ठीक है, अजय कुमार जी आप पर सीधा आरोप है कि आपके पास ऐसा कोई पॉपुलर लीडर नहीं है जिसको आप नरेंद्र मोदी की तरह उतार सके। ठीक है शहनवाज जी, आपने अपनी बात कही। अजय कुमार जी आपके ऊपर आरोप है, अनुराग सिंह भदौरिया जी आपके ऊपर आरोप है, मैंने दोनों से एक एक करके जवाब चाहूंगा कि आपके पास कोई ऐसा पॉपुलर लीडर ही नहीं है जिसको आप चुनाव प्रचार में उतार सके और जो प्रधानमंत्री की राजनीतिक काट कर सके। दीपक जी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी इतने अनुराग सिंह भदौरिया जी को बोलने दीजिए, नाम से इतने परेशान है कि जब वो स्पीच देने आते हैं तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी की स्पीच होती है। आज भाइयों बहनों, मैं जब आज सुबह उठा मैंने देखा श्रीमान अखिलेश यादव जी का चेहरा छोटा नजर आ रहा था। अब अखिलेश यादव जी का छोटा चेहरा नजर आ रहा है, बड़ा चेहरा, वो कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस पे नजर रखे हुए हैं। अब आप सोचिए, और अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना खौफ है उनको कि सुबह उठ के अखिलेश यादव जी नजर आ रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को सजेशन देना चाहता हूं और बीजेपी वालों को सजेशन देना चाहता हूं, अगर एकाध नेता की जरूरत है तो हमारे यहां से ले जाएं। हमारे यहाँ तो इतने पॉपुलर नेता हो चुके हैं माननीय अखिलेश यादव जी के सामने, तो हमें लगता है प्रधानमंत्री जी भी परेशान है। हम तो उनको छोटा ही समझने लगे क्योंकि हम उस वक्त जब उन्हीं की बात करने लगे वो। अखिलेश यादव जी ने आज तक नहीं बोला मंच पे, आज सुबह उठा था मुझे प्रधानमंत्री जी को मैंने ये सोचा वो सोचा, प्रधानमंत्री जी अखिलेश यादव जी के बारे में सोच रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपने बनारस का रोड शो देखा जहां से प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, 22 कैबिनेट मिनिस्टर लेके बैठे हुए हैं, 72 एमपी हैं और सारे स्टेट के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वहां गली गली घूम रहे हैं, उनका रोड शो देख लिए दीपक जी। और दिल पे हाथ रख के अखिलेश यादव का रोड शो दिखा दीजिए, शहनवाज जी को खुद को बीजेपी पे शर्म ना जाए तो
तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं मैं डिबेट से भाग नहीं लूंगा। अगर उनको खुद को शर्म आ जाए तो देख लीजिए अखिलेश यादव जी का प्रधानमंत्री रोड शो पूरा कैबिनेट वहां लगा हुआ था, पूरा प्रधानमंत्री की फोटो दिखा दीजिए, दोनों का रोड शो की फोटो दिखा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन पॉपुलर नेता है, फोटो दिखाई जमीन पे पकड़ है। प्रधानमंत्री जी अगर उसमें से किसी एक का नाम मिले दे, एक का भी नाम ले दे, दीपक जी एक का भी नाम ले दे तो नहीं है, मैं जो कहोगे हार जाऊंगा। समाजवादी पार्टी जी मंच पे खड़े होकर वहां पे एक एक कार्यकर्ता की रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोहनदास आप कब आए, अरे अग्रवाल जी आप कब पहुंचे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी एक का भी नाम याद नहीं है उनको, एक को भी पहचानते नहीं है वो, तो वो उनकी भीड़ जो है वो बाहर से बुला के उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली, थोड़ी बहुत भीड़ तो अखिलेश यादव जी के रैली में थी, देखते आप क्या रोड शो था, क्या प्राउड करने वाला रोड शो था। ठीक है, अजय कुमार जी आपको दिखा दीजिए, वो तो हम लोग के बहुत सीनियर है, वो भी देख ले वो रोड शो की तस्वीर। शहनाज जी आपसे जवाब ले लो, एक छोटा कमेंट अजय कुमार जी से, अजय कुमार जी छोटा कमेंट लेकिन आप पर सीधा आरोप है, अखिलेश जी के प्रतिनिधि आप पर सीधा आरोप है कि नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी जीत के लिए आपने अखिलेश यादव की पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। आपका आपके टेलीविजन पर दिख रहा है किस तरह की भीड़ उमड़ी है, भारत के इतिहास में इस तरह की भीड़ प्रधानमंत्री जी एक सेकंड उमड़ी नहीं है, एक सेकंड आप देखिए, एक सेकंड खुली आंखों से शहनवाज जी एक सेकंड सर भीड़ शहनवाज जी एक सेकंड, अरे शहनवाज जी दीपक जी भीड़ दिखा दीजिए, दीपक जी भारतीय जनता पार्टी का बोनस बताइए, अजय कुमार जी को बोलने दीजिए, फिर मैं शहनवाज जी के पास जाऊंगा। कितने परेशान है सफाई देने में, देखिए दीपक जी राहुल गांधी जी ने फरवरी के महीने में 50 से ऊपर रैली किए, पूरी तरह से हम वो भीड़ देख करके शहनवाज जी घबरा गए, और आजकल वर्तमान में सबसे भयभीत करने वाली शब्द क्या है, सबसे भयभीत करने वाली शब्द आजकल मित्रों है, जैसे प्रधानमंत्री मित्रों बोलते तो पूरी जो है पूरी जनता डर जाती है। तीसरी बात क्या है कि अगर ये बोलते इतने सक्षम है तो फिर पूरी कैबिनेट को वाराणसी में जाने की क्या आवश्यकता थी, पूरे सत्र जो है कांग्रेस डर जाती है, कांग्रेस डर जाती है, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का साथ बचाना बहुत जरूरी है, काम छोटो बनाएवासी बनारस तो क्योटो बना नहीं, बनारस तो क्योटो, और सुन लीजिए प्रधानमंत्री जाकर बोलते हैं शहनवाज जी एक सेकंड प्रधानमंत्री जाकर के यूपी में कहते हैं कि हम किसान के ऋण माफ कर लेंगे, बताइए प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आपकी सरकार गुजरात में, आपकी सरकार राजस्थान में, आपने किसी गरीब किसान का ऋण माफ किया क्या, तो इस तरह के भाषण प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और जनता जो है वो समझते हैं कि जनता व्यक्ति बन जाएगी इनके इस तरह अधिक भ्रमित। ठीक है अजय कुमार जी आपने अपना बोल प्रधानमंत्री का किसान के फसल बीमा का काम हमने किया, महाराष्ट्र में ऋण नहीं अजय कुमार जी एक मिनट रुक जाइए अजय कुमार जी, मैं सीधा सवाल शहनवाज जी आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है आपने फसल बीमा किया, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का आप कर्जा माफ कर देंगे, अरे उत्तर प्रदेश क्यों, किसान देश भर का परेशान है, आपकी केंद्र सरकार है, देश भर के किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, आपको किसने रोका है, देखिए आप उत्तर प्रदेश के लिए लारा लप्पा क्यों दे रहे, अरे कुछ नहीं करना है इनको, कमाल है कि जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि कर्जा माफ कर दीजिए, जब हम कर्जा माफ करने की बात करते हैं तो इनको बहुत दुश्वारी होती है, किसानों के लिए यूरिया के लिए लाठियां चलती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐसा कर दिया कि किसानों को यूरिया के लिए लाठी खानी नहीं पड़ रही है, आज किसान खुश हैं, किसानों के कर्जा को भी हम खत्म करेंगे, लेकिन दीपक जी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराए हुए सहमे हुए अखिलेश जी राहुल जी तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की हिम्मत नहीं होती है, सुबह कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लेकिन इतने सवाल प्रधानमंत्री जी ने खड़े कर दिए कि अखिलेश जी अच्छा। राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी काशी नहीं आ पाए, काशी की जनता से इनको डर लगता है, काशी में तो आप विषय से भटकिए मत, और सिर्फ मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि आप जीते तो किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, अरे भाई आप देश में जीते हुए हैं, आपकी बहुमत से सरकार है, आप पूरे देश के किसानों के कर्ज माफ कर दीजिए, किसान तो पूरे देश का परेशान है ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश का परेशान है, ऐसा तो नहीं है, पूरे देश के दीपक जी पूरे देश के किसानों का दर्द सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है,
इनकी तरह खाट सभा नहीं करते हैं, 27 साल बुरा हाल नहीं कहते हैं। राहुल जी की सभा का जिक्र कर रहे हैं, उसमें वो कांग्रेस को गाली दे रहे थे, उस सभा का जिक्र अजय कुमार जी आज कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हताश निराश है। और अखिलेश जी ने जो 100 सीट दी है, एक उसमें 2 सीट भी ये जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीट अगर कहीं जीतेगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री ठीक है, आपने अपनी बात रखी विवेक, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी भाग के दीपक जी ने किया प्रेस, मैं आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ, विवेक बैठे हुए हैं अभी, सबको मौका दिया मैंने। शर्मा जी ठीक है, आपने अपना बोल रखा, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं देना चाहते हैं कि आप पूरे देश के किसानों के ऋण क्यों नहीं माफ कर देते। मैं आगे बढ़ता हूँ विवेक, 90 से ज्यादा अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश के किसानों का कहा जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर साफ साथ में आ जाएगी तो एन ब्लॉक जो है वो वोट मुस्लिमों के या फिर माइनॉरिटी के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिलेंगे, लेकिन ट्रेंड क्या कहता है 6 फेज का, क्या मुसलमानों ने बीएसपी को भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया है? देखिए एकदम किया है, 100 के आसपास सीटें बहुजन समाज पार्टी ने डिक्लेयर की अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दीपक, और सबसे बढ़िया चीज इसमें थी कि इसमें ज्यादातर सीटें इन्होंने बहुत पहले डिक्लेयर कर दी थी, सारी पार्टियों से पहले मायावती ने बिना समय बर्बाद किए हुए सीटें डिक्लेयर कर दी थी। इन लोगों को चुनाव की तैयारी करने का मौका भी पहले से मिल गया और ये अपने वोटर के पास ये उम्मीदवार बहुत पहले से पहुंचे। मुसलमान को अल्पसंख्यक को कहीं पर यह लगा कि जो समाजवादी पार्टी हमारे हित की बात करती थी उससे ज्यादा हमारे हित की बात आज की तारीख में शायद बीएसपी कर रही है। दूसरा, जिस तरह उलमाओं ने, जिस तरह धर्मगुरुओं ने खुल के बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने के लिए अपील की, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अगर 20% मुस्लिम वोट है और उसमें से 8% भी अगर ट्रांसफर हो जाता है बसपा के खाते में तो चुनाव के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो प्रचार अखिलेश कर रहे हैं, अखिलेश का एक ही कहना है बुआ जी यानी मायावती जी बीजेपी के साथ राखी बंधवा लेंगी, क्या ये थॉट अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को डराएगा? नहीं, बिल्कुल डराने के लिए ही किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमान एम ब्लॉक एक वोट करें जहां वो करते आए समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस गठबंधन को, उसी को वोट करें। लेकिन समाजवादी पार्टी मुझे लगता है इस समय कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा भटकाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि भीतरघात जो समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है, जो अभी कुछ समय पहले जो कुनबे के अंदर जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से जो खेमे बटे हुए हैं उसका दर्द कहीं ना कहीं छुपाने के लिए भी इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी की ओर से हो रही हैं। अनुराग सिंह भदौरिया जी, अब मैं किचकिच में नहीं जाता हूं कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। इटावा, मैनपुरी और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सीएम को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बोला है कि हमारे लोग भीतराघात कर रहे हैं। उनका इशारा शिवपाल यादव की तरफ था, अपने चाचा की तरफ, जिनको दूध में से मक्खी की तरह उन्होंने निकाल फेंका है। तो आपको भी आशंका है क्योंकि पहले दौर में आपने अच्छा पिकअप किया, दूसरे दौर में किया, लेकिन तीसरे दौर से चीजें आपके हाथ से फिसलने लगी, यानी आपकी पार्टी के अंदर शिवपाल यादव, एक हद तक मुलायम सिंह यादव, ये दोनों भीतराघात कर रहे हैं। और दीपक एक चीज यहां जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो शिवपाल यादव कई बार ये भी बोल चुके हैं पब्लिक मंच से, पब्लिक में जाके, कि चुनाव के बाद मैं तय करूंगा कि मुझे अपनी अलग पार्टी बनानी है या फिर नहीं बनानी। बताइए, बता दूं बहुत क्लियर, समाजवादी पार्टी का मतलब होता है अखिलेश यादव जी, और पहले मुलायम सिंह होता था, सशक्त है, पहले मुलायम सिंह होता था, आज से 3 महीने पहले तक समाजवादी पार्टी का मतलब मुलायम सिंह होता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। नेताजी आपने बदला नारा, वही तो मैं कह रहा हूँ, नेता आपने बदला नारा, आपने क्या कर दिया जी आज भी है? अरे तो नेताजी आज भी है, जिसका जलवा कायम है। दीपक जी, नेताजी उनके फादर हैं, और जब नेता उनका नाम मुलायम है तो अभी कौन सा उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी कहीं बगल से नहीं आए, उन्हीं के बेटे हैं, और नेताजी का ही पूरा आशीर्वाद प्राप्त है समाजवादी पार्टी को, बेटे नेताजी के आशीर्वाद को इतना काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने जो करके दिखाया है, जो जिसने मुझे बताइए ना, बेटे ने पिताजी को क्यों निपटा दिया? होता है जो आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक थे 2012 में, उनसे आपने 2 सभाएं कराई। दीपक जी किसी, अरे मैं आपको बोलते रहा हूँ, आपको
अब मैं बोल तो रहा हूं कि आप किसी भी फादर को अच्छा लगता है जब उसका बेटा उससे दो कदम आगे निकलता है, क्या आपको नहीं अच्छा लगेगा? क्या यहाँ पे बैठे अजय जी को नहीं अच्छा लगेगा? ये हमारे बीजेपी के हमारे आदरणीय सहवाज जी बैठे उनको नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा जब पिताजी के खिलाफ कन्वेंशन बुलाया जाए, हजारों लोगों को जनेश्वर मिश्रा पार्क में बुलाया जाए और रिजोल्यूशन करके पिताजी को रिटायर कराया जाए, तब पिताजी को बुरा लगेगा? और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुलायम सिंह यादव को बुरा लगा है? आपको बोलता रहा हूँ इसमें भी इस मैं बोल रहा हूँ, नेताजी को प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल गया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अपने चाचा को भगा दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया कि मुझे अच्छा लगता है कि प्राउड फील कर रहे हैं, मुझे अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी प्राउड फील कर रहे हैं, अभी वो बोलते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश यादव जी बनेंगे, मेरा पूरा आशीर्वाद उनको। एक नहीं हजार बार बोल चुके हैं, मंच पे बोल चुके हैं, अभी उन्होंने जौनपुर में बोला, अभी उन्होंने लखनऊ में बोला। वो तो हमेशा बोलते हैं मेरा अखिलेश यादव जी सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर है और वो आगे भी चीफ मिनिस्टर रहेगा और जो मुझे करना होगा मैं उसके लिए करूंगा, वो हमेशा बोलते हैं। भाई देखिए, आखिर बाप को खुशी होती है कि उनका बेटा आगे निकलेगा, और नेताजी को तो कोई धुतकार नहीं सकता कोई भी। प्रॉब्लम ये है कि जरूरत से ज्यादा आगे निकल गया है, प्रॉब्लम यही है। उन्होंने इटावा के भीतरघात की बात की है, हाथ से निकल गया है अखिलेश यादव जी। जब सुनिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आगे निकल गया है, और अभी भी बेटा बाप से हाथ से नहीं निकलता है, वो उतना ही सम्मान उनका करते हैं जितना सम्मान एक बेटा अपने बाप की करता है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। करीब से देखता हूँ कि अपने नेताजी ने कब कहा कि मुझे हटा के उसने गलती की? नेताजी तो हमेशा कहते हैं कि भाई मैं तो उसके साथ हूँ। नेताजी ने कई बार ये भी कहा कि मैं बुलाता हूँ लेकिन आ नहीं रहा है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ शिवपाल को दोबारा मंत्री बनाओ, मेरी बात नहीं सुन रहा है वो। हम आप कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन हमारी आपकी है कि चलिए भदौरिया साहब, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लाते रहते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। जी कब कह रहे हैं कि मुझे बुरा लग रहा है? अच्छा, किसी कारण में अगर पब्लिक बहुमत नहीं मिलता है, तो जितने बड़े नेता बने हुए हैं शहनवाज हुसैन साहब, मंत्री भी घबरा के शहनवाज हुसैन साहब, अगर किसी हालत में बहुमत नहीं मिलता है तो क्या आप बीएसपी के साथ सरकार बनाने को तैयार है? शहनवाज हुसैन साहब 3 बार आप बना चुके हैं, डर है प्रधानमंत्री को? देखिए, दिक्कत ये अखिलेश, दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी चुनाव तक अभी अपने कुंबे को संभालने में ही लगी है। अखिलेश जी बराबर बोलते हैं कि हम समाजवादी लोग, जैसे ये कब के समाजवादी हो गए? मुलायम सिंह जी समाजवादी थे, ये तो परिवारवादी हैं, परिवार की उपज के तौर पर ये आज नेता हैं, लेकिन कहीं हम समाजवादी लोग, तो ये कहना है। हमें भी मालूम है कि अभी भी समाजवादी पार्टी में लग गई आग उन्हीं के चिराग से, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश जी और डिंपल जी के अलावा कोई नेता नहीं है। अनुराग सिंह जी कह रहे थे हमारे पार्टी से कोई नेता ले जाइए बीजेपी में। अरे भाई, आपके पास तो दो ही नेता हैं, बाकी तो शिवपाल जी को घर बैठा दिया, मुलायम सिंह जी को घर बैठा दिया। अरे उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है जब ये मुलायम, चले ठीक है, ये छींटाकाशी, ये छींटाकाशी का वक्त नहीं रहा। अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जब नतीजे आने वाले हैं शहनवाज जी, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल, मैंने सिर्फ एक एनालिसिस के तौर पर सवाल पूछा था कि आखिरकार क्यों निकाल दिया अखिलेश यादव ने और भीतराघात से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है। विवेक, चलते चलते तीनों को अगर हम देखें क्रम में, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, कौन किस इलाके में मजबूत रहा है और फाइनल फिगर आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? देखिए, लड़ाई जहां पर हुई है, त्रिकोणीय लड़ाई मुझे लगता है कहीं नहीं हुई है। जहां पर भी लड़ाई हुई है वो दो पार्टियों में आमने सामने हुई है, तो अभी फिगर पर आना मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी होगा। मेरा कहना यह है कि लास्ट राउंड में निपट जाने दें, उसके बाद हम लोग फिगर्स की बातें करेंगे। अभी नेक टू नेक फाइट्स बहुत ज्यादा हुई हैं, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग पार्टीज को, अलग अलग, चाहे कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन हो, कहीं कहीं कोई आगे दिख रहा है, कहीं कोई आगे दिख रहा है, लेकिन मैजिक फिगर 202 तक कोई पहुंचता दिख रहा है? मुझे तो अभी तक दीपक ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि मैजिक फिगर 202, क्योंकि 403 के संभलिए बहुमत के लिए चाहिए 202 सीटें। क्या 202 सीटें किसी एक राजनीतिक दल या गठबंधन को मिलेंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल इसका उत्तर दिखता है कि ऐसा फिलहाल प्रतीत नहीं होता, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं।